कोरबा जिला में एक नाबालिग लड़की की कुएं में तैरती हुई लाश मिली है। पास से उसका एक बैग और कुछ कपड़े भी पाए गए हैं। आशंका है कि उसकी हत्या की गई होगी। इसके बाद उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया होगा। मामला कटघोरा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार महेशपुर गांव में सुबह के वक्त लोग खेत की तरफ घूमने गए थे। खेत में ही एक कुआं बना हुआ है, उसी कुएं में लोगों की नजर पड़ी तो लोगों ने देखा कि किसी की लाश पानी के ऊपर तैर रही है। इस बाद लोगों ने तुरंत पुलिस को इस बात की जानकारी दी। जानकारी होते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम जैसे ही मौके पर पहुंची, सबसे पहले उन्होंने आसपास के इलाके की खोजबीन की। तलाश करने पर पास में एक बैग मिला, उसमें कुछ कपड़े भी पाए गए हैं जो बिखरे हुए स्थिति में थी। साथ ही एक पहचान पत्र मिला है जिससे लड़की की पहचान हो पाई है। लड़की का नाम विद्या गोड़ है, जो बाता में रहकर पढ़ाई कर रही थी। अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रह काम करती थी। मूल रूप से वह रंजना गांव की रहने वाली है। वहीं डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों को भी जानकारी दी गई है। पुलिस का कहना है पीएम रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं लड़की के शव को देखने के बाद ग्रामीणों में कई प्रकार के चर्चाएं चल रही है। कुछ लोग इसे आत्महत्या कर रहे हैं तो कई लोग दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या करने जैसे आशंका जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के इंतजार है। इसके बाद ही युवती के मृत्यु का सही कारण स्पष्ट हो पाएगा। मामले पर पुलिस की तफ्तीश जारी है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।